ऐसी चीज का नाम बताओ जो कूद कूद के पैदा होती है। जीव। जीव पैदा कहाँ होती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर लगातार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलता है और इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ बच्चे जो बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और जो पहेलियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं जो बच्चे का दिमाग होता है उसे शार्प करती हैं और इस प्रकार की जो क्विज प्रतियोगिताएँ होती हैं उससे बच्चों की जो तर्क शक्ति होती है, लॉजिकल उनका जो माइंड होता है कहीं ना कहीं तीव्र होता है। तो इसलिए मैं अपने चैनल पर लगातार ऐसी प्रतियोगिताएं करता रहता हूं। अच्छा, ये बताओ, तैयार हैं आप सब खेलने के लिए? मैं आपसे पांच प्रश्न पूछूंगा पहेलियां, उनमें से जो भी दो प्रश्नों के उत्तर सही से दे देगा मुझे उसे मैं एक सुंदर सा गिफ्ट भेंट करूंगा। ओके, आर यू रेडी एवरीवन? तैयार हैं सब? तो छोटे भैया आगे आ जाएं, छोटे भैया लोग आगे आ जाएं। तो पहला प्रश्न मेरा आप लोगों के बीच में आ रहा है और आपको बताना है आपके घर में, देखिए सभी के घरों में वो चीज है जो मैं बता रहा हूं, आपके घर में एक ऐसी चीज है जिसका हमेशा मुंह खुला रहता है। चूल्हा। चूल्हा, 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 चूल्हा। सही है? क्लियर? पता था आपके लिए? अच्छा, बड़ा सरल प्रश्न हमने पूछ लिया और आपने बता दिया झट से सब लोगों ने। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए, तो मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों के बीच में आ रहा है और आपको बताना है कि एक गुफा के दो रखवाले और दोनों लंबे दोनों काले। मूछ। 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 कैसे नहीं समझाओ? पूरा समझा नहीं ले। हम समझा, समझाओ। ऐसे खोलते हैं तो गुफा और दोनों रखवाले काले। चलो चलो, ताली बजाओ भाई, दोनों बच्चे के लिए ताली बजा दो। ये देखिए, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अकेले इस बच्चे का प्रश्न मिला मुझे। क्या नाम है आपका? आगे बढ़ के आइए। अजीम। अजीम आगे आइए। अजीम आ गए। अजीम के जोरदार ताली बजा दो भैया। अजीम ने जबरदस्त जवाब दे दिया है कि एक गुफा के दो रखवाले और दोनों लंबे दोनों काले। तो दोस्तों, उसका आंसर है मूंछ। व्यक्ति की जो मूंछ होती है वो मुंह के दोनों तरफ होती है और कुछ लोगों को मूंछ रखने का बड़ा शौक होता है। चलिए, तो एक प्रश्न का उत्तर मुझे अभी मिला है क्योंकि पहला जो प्रश्न था उसका सामूहिक जवाब मिला है। ऐसी चीज का नाम बताओ जो कूद कूद के पैदा होती है। जीव। जीव पैदा कहाँ होती है? ऐसी चीज का नाम बताओ जो कूद कूद के पैदा होती है। मेंढक। मेंढक। मेंढक आपने पैदा होते हुए देखा कभी? बताओ। चिड़िया। कैसे? वो ये पैदा होते हैं तो अंडा होते हैं। बताओ। ऐसी चीज का नाम बताना है जो कूद कूद के पैदा होती है। बच्चा। बच्चा कूद कूद पैदा होता है क्या? किस चीज का बच्चा? बच्चा किस चीज का बताइए, ये भी तो बताओ। आदमी का, चिड़िया का, जानवर का? जानवर का। लोमड़ी। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? विनय सागर। विनय सागर, बताओ, बता सकते हो? और चलो बता देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, और वो चीज ऐसी है जो हम और आप सभी लोग उसे बड़े चाव के साथ खाते हैं, खाते भी हैं बड़े मौज के साथ। खीस। खीस। और उसका रंग भी बता दे रहे हैं, सफेद होता है। खीस। मुर्गा कैसे होता है? चलो दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि ऐसी कौन सी चीज है जो कूद कूद करके पैदा होती है। गाय क्या देती है? दूध। और मुर्गी क्या देती है? अंडा। क्या देती है? अंडा। अंडा देते हुए देखा तुमने? देखा तुमने? मुन्ना ने देखा होगा। अच्छा, अंडा कितने लोग खाते हो? सब अंडा खाते हो? वेरी गुड, सारे लोग अंडा खाते हो। कैसा लगता है खाने में? कैसा लगता है खाने में? अच्छा। अच्छा लगता है? कैसे खाते हो? उबाल के खाते हो, कच्चा खा जाते हो? उबाल के खाते हो। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। तो गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, ऐसी चीज का नाम बताओ कि जो दोनों चीजें देता है। दुकानदार। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली मारो, ताली मारो, ताली मारो। अजीम आगे आओ। भैया भैया भैया, वेरी गुड। आज के बाद देखो इनाम के हकदार हो गए अजीम भाई। अजीम नाम बताया ना आपने। ये भैया बच्चा बड़ा दिमाग लगाया, और कैसे आपने दिमाग लगाया आपको पता था पहले से? तो क्या दिमाग लगाया? दिमाग लगाया, वेरी गुड। यानी कि जो दुकानदार होता है वो अंडा और दूध दोनों चीजें बेचता है।
तो दिमाग लगाने की दोस्तों, इसीलिए मेरे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का नाम है कि दिमाग की बत्ती जलाओ और इनाम पाओ। चलिए कितने प्रश्न हुए मेरे? चार हो गए। तो इनाम के हकदार तो अजीम जी हो ही गए हैं, परंतु मेरा एक प्रश्न लास्ट वाला जो छूट रहा है वो भी आपको बताना हो रहा, आप बताएंगे? एक कमरा है, एक कमरा है और उसमें 400 आदमी हैं। कितने? 400। 200 हो गए तो कितने बचे? 200। 400। कैसे? 200 वो कमरे में तो है। वेरी गुड, मारो ताली भैया, मारो 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 ताली। मैंने कहा कि एक कमरे में 400 आदमी हैं और 200 गए। तो कितने बचे? 400। वो सोए हुए भी उसी कमरे में हैं, तो कितने बचे? 400। अच्छा, पांच प्रश्नों की मेरी श्रृंखला पूरी हो गई है और अजीम जी आज की मेरी इस प्रतियोगिता के इनाम के हकदार भी हो गए हैं। अजीम भाई कैसा लग रहा है, पहली बार इनाम जीता आपने? अच्छा लग रहा है, ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए, लगातार चैनल पर चलनी चाहिए। यस। ये वीडियो आपका डाल दिया जाए नेट पर? यस। कोई दिक्कत तो नहीं आप सभी को? नहीं, नेट पर डाल दिया जाए वीडियो? नहीं। तो एक बार मेरे साथ जोरदार बोलिए, भारत माता की जय। जबरदस्त ताली बजाओ भैया अजीम के लिए। और अजीम भाई आज हकदार हुआ है इस प्रतियोगिता के, जबरदस्त। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही मजेदार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को देखने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।